तक आपने देखा कि वुहान से मैं सेमी स्पीड ट्रेन पकड़कर चोंगचिंग पहुंच गई और स्टेशन से बाहर निकलते ही पूरी दुनिया बदल चुकी थी। मेरे सामने था धरती का वह शहर जो भविष्य में है। दक्षिणी पश्चिमी चीन में यांत्से नदी के किनारे स्थित अपने समृद्ध इतिहास के साथ आधुनिकता के बेजोड़ गठजोड़ वाला संगम, गगनचुंबी इमारतों से लेकर केंद्र से बहने वाली घुमावदार नदियों तक, चोंगचिंग एक ऐसा शहर है जो आपके प्रत्येक सेंसेस उत्तेजित कर सकता है। अपने आखिरी पड़ाव में मैं एक ऐसे शहर की कहानी बयां करने जा रही हूँ जो युगों से अपने बदलते स्वभाव के लिए जाना जाता है। यहाँ पे तो आराम से घूमने आ सकते हैं। मैंने लिया ही वैसे क्योंकि हमारे पास भी यहाँ पे अगेन आज का दिन है, फिर कल का है और परसों का शाम तक है। चलो, यही है हमारा होटल और ये है मेरा रिसेप्शन। हाय मियां, 43 फ्लोर का ये बिल्डिंग है और हमें 21st पे जाना है और मुझे काफ़ी रीजनेबल में मिल गया ये। मतलब समझ लो कि मेरे कुछ कॉइन्स थे और वैसे कर करके अराउंड 3,000 में 2 दिन का मिला है मुझे। Well, जगह बहुत अच्छी है जहाँ पे हम लोगों ने लिया है। ये हमारा रूम है, और ये बेसिकली यूरोपियन स्टाइल का रूम था, इसीलिए हमने ऑप्ट भी किया। रूम बहुत बड़ा नहीं है लेकिन जितना रूम है मतलब बेसिकली 22 मीटर का है, तो मतलब इतना छोटा कैसे, बाथरूम उतना बड़ा है। तो दिस इज हाउ द रूम इज। बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही है। नाइस चेयर भी है, आराम से बैठो। हाँ, लेकिन सबसे बेस्ट है इसका व्यू। ऑसम है ना। अब आते हैं, मैं बाथरूम दिखा दूँ आपको। बेसिन एरिया है यहाँ पर, ओपन है और ओ इंडियन स्टाइल टॉयलेट है, ओ नो। और बाहर टब है। बाथरूम में से आप बाहर का व्यू भी देख सकते हैं, यहाँ पे कोई आपको नहीं देखने वाला है। बाथ टब में नहाते नहाते क्या बात है यार, क्या व्यू है जबरदस्त। हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस लाइटनिंग चोंगचिंग। तो मैं हूँ अभी चाइना के उस खूबसूरत जगह पर जो आंखें आपकी फाड़ के फाड़ी रखी देगी। ओह माय गुडनेस, मतलब मेरे फर्स्ट इम्प्रेशन चोंगचिंग की ये है कि भाई मतलब मैं बस देखते ही जा रही हूँ इन लंबी लंबी बिल्डिंगों को। और मेरे लिए तो अच्छी बात यह है कि मैं जहाँ पे रह रही हूँ वो बस यहीं है, ये पीपल स्क्वायर पर। हम हैं अभी जेफिंग बे पर और जेफिंग बे एक पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है जहाँ पर लोग मस्त शाम के वक्त या दिन और रात जो है ना मज़े से वॉक करने आते हैं। जस्ट लुक एट दिस सराउंडिंग, मतलब इतना गजब है कि क्या बताऊँ। इसकी चकाचौंध में सच में हम भूल भुलैया में हो जाएंगे। हमें ऐसे लगेगा कि पता नहीं मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। और मैं तो ये बिल्डिंगों पर हुई लाइट को ही देखते जा रही हूँ। ये पर्टिकुलर क्लॉक टावर है यहाँ पर एंड इट्स बेसिकली पीपल स्क्वायर का एक आइकॉनिक प्लेस है। आपने इतना बड़ा हुजूम, इतनी बड़ी स्ट्रीट देखी है, फूड स्ट्रीट। ये पूरी की पूरी खाओ गली है, ये पूरा का पूरा। ओह माय गॉड, लेकिन मेरे लायक गरम खाने वाला कुछ नहीं है। हाँ, ठंडा आप मिल जाएगा लाइक फ्रूट सलाद। ओह गॉड, जहाँ नजर जा रही है सिर्फ खाना ही खाना है यार। ओह, ऐसा क्या बना रहा है ये? मतलब सच में यहाँ की पब्लिक जो है ना वो खाना खाने में बहुत शौकीन है। यहाँ वैरायटीज बहुत मिलते हैं, हम भले वो चीज़ नहीं खा सकते हैं लेकिन यहाँ के लोगों को मतलब इतनी वैरायटीज मिलती हैं इस पूरे मार्केट में कि क्या बताऊं।
आई हैव सीन एवरीवेयर, चाहे जहाँ पे भी जाएं बहुत वैरायटीज मिलती हैं उनके बनाने के, स्टाइल अलग होते हैं, पैटर्न अलग होते हैं, डिज़ाइन अलग होती है और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। आपने कभी वो बोलते ना सिनेमा में देखते ना, हॉलीवुड सिनेमा में स्ट्रीट्स होती हैं उस पर लोग चल रहे हैं, ये कुछ वैसा ही दिख रहा है, लाइटें हैं, पूरे बड़े बैनर्स हैं बिल्डिंग पर देख रहे हो आप, चना चोर गरम, ये यहाँ पे ये भी कुछ तो सेल कर रहा है, मिक्स विक्स करके सोया सॉस डाल के सारा देखो कटिंग किया हुआ है। यहाँ पे पोटैटो सेंटर 18 युआन 12 युआन का बना के देता है, पता नहीं इसके अंदर वो क्या क्या डालता है। इसमें दीज ऑल आर पोटैटोज, मैं बोलो, ओ वाओ, ये सारे योगर्ट्स हैं, फ्रूट योगर्ट्स, एवोकाडो, ग्रेप्स, मैंगो, और बहुत टेस्टी लग रहे हैं ये तो सैंपल दिया है चखो और लो, सब लोग चख रहे हैं और भाग रहे हैं ओके गाइस, हमने कुछ तो लिया, अभी पता नहीं ये क्या चीज है, दिख तो वेज ही रहा है। वेल कुछ अलग हो रहा था, अलग बन रहा था, ड्राई फ्रूट था, इसलिए हमने भी सोचा ले लेते हैं। हमने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ब्राउन शुगर कोटेड समथिंग समथिंग, फिर मैंने देखा कि जब उसने डाल दिया तो कुछ चिकना चिकना सा था, बाद में पूछा तो पता चला कि स्टिकी राइस है। नाउ लेट मी हैव इट, इट इज स्टिकी राइस, आई डोंट नो कैसा लगेगा। गुड़ का पानी है, नॉट बैड, ठीक लग रहा है। आप इस टिकटॉकर को देखिए, गाना गा रहा है और कहाँ कहाँ फोन रखा हुआ है उसने, ताकि उसे पता चले कि उसका शूट क्या हो रहा है। कोई सिंगर है तो कोई लाइव अपने सब्सक्राइबर्स के साथ है, वो देखो डांट रही है जैसे बाप रे बाप, दो दो मोबाइल लेकर के ये लोग होते हैं यार, मतलब हद हालत है। हम लोग तो क्या ही रील्स बनाएंगे, ये लोग देखिए यहाँ पे देखो, ये देखो क्या फ्रूट है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, हाथ नहीं लगा सकती ठीक नहीं रहेगा, जबरदस्त फ्रूट है ये, पता नहीं क्या है। और माल्टा कितने बड़े बड़े हैं। हम एक पार्क के पास आए हैं और देखिए ये बंदा जो है वो अपना कराटे का प्रैक्टिस कर रहा है। फ्राइड राइस है, इसके साथ विनेगर वाला मतलब क्या बोलते हैं उसको, सलाद दिया है, अच्छा लग रहा है, हम मेरे लिए तो बढ़िया ही है। एंड यहाँ पे मुझे ये सब नहीं मिला, मिरिंडा विरिंडा टाइप का रहता ना, तो यहाँ पे मैंगो ब्लेंडेड जूस है ये। और यहाँ पे मोस्टली आप देखेंगे मतलब पूरे चाइना में शॉप से लेकर के रेस्टोरेंट से लेकर के कहीं पे भी मोस्टली फीमेल ही होती है काउंटर पर। जिस तरीके से यहाँ पे रोड क्लीनिंग हो रहा है आप देखो, एकदम मतलब धो धो के साफ कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल कचरा नहीं दिखाया जाता है। इवनिंग वॉक बहुत ही सुंदर रहा है यहाँ पर, और अभी ऑलमोस्ट 10:30 बज चुके हैं, लेकिन लोग यहाँ पे जैसे नाइट वॉक करने निकलते हैं ना वैसे निकले हुए हैं। मेरी बिल्डिंग एग्जैक्टली यहीं पर है और मेरे पीछे एप्पल का शोरूम है जो अंडरग्राउंड है, बहुत यूनिक सा है, कल जाएंगे उधर। खैर बहुत अच्छा रहा शुरुआत चॉन्चिंग का, और
सच में चकाचौंध कर देने वाली ये रात की आज की एकदम खुली की खुली आग रह गई कि इतनी लाइटें, इतनी बिल्डिंग है, इतना डिफरेंट आर्किटेक्चर. ओह गॉड, फर्स्ट इम्प्रेशन इज मार्वलस इम्प्रेशन ऑफ दिस प्लेस. कल और कुछ घूमेंगे, देखते हैं, कुछ मार्केट एरिया में जाएंगे. ये भी मार्केट एरिया ही है लेकिन थोड़ा हाई फंडू है, मतलब बहुत ब्रांडेड मार्केट. एनीवेज चलो ये रात यहीं पर ख़त्म करते हैं एप्पल शोरूम के साथ.